है कि मैं पराये देश यहां क्यों आई और मैं आपके क्यों छुड़ गई, इसका भी मुझको सही सही उत्तर दीजिए। मुझे क्यों आपने कर दिया, क्यों मैं पिछड़ गई और पराये देश क्यों आई, आपके देश में अलग क्यों की गई, इसका भी मुझे उत्तर दीजिए। बोलो मेरा अलग करेगा और ऐसे नहीं भिन्न भिन्न विधि विधान के साथ, यानी आप अपना मतलब ये मेरा भेद बताइए कि मैं कैसे आई क्यों भेजी गई, क्यों यहाँ काल के देश में डाली गई और कर्मों में क्यों बर्बादी गई और फिर वहां से क्यों निकाली गई, ये पूरा विधि विधान से भिन्न भिन्न मतलब है तरह से हमको समझाइए ताकि हमको ये और हमारे संगत हो जाए कि हमारे प्रश्न का उत्तर हमको मिल गया और हमारे ठीक ठीक समझ में आ गया। मन तन संग परी में कब से दुख पाई बहुत में जब मन के साथ तन के साथ मैं जो यहाँ करके बांधी गई वो मैंने इस मन के साथ कितने कितने दुख बहुत बहुत से पाए, ये किया गया क्यों इस दुख में लाया गया, जो धन के साथ मन के साथ बांधी गई फिर मेरे ऊपर में ये कर्म बंधन क्यों डाल दिया गया, ये पाप है ये पुण्य है और मैंने जो कुछ भी किया है और इस कितनों से मैं भोग रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, रो रहा हूँ और मेरा कोई सहारा या उपाय करने वाला नहीं, ये भी मुझे ठीक ठीक बताइए। क्यों भूली मैं देश सुमारा आए पड़ी पर देश। कहते हैं स्वामी ये भी बताइए कि मैं आपका देश क्यों भूल गई, क्यों ऐसी जरूरत पड़ी कि मैं बिल्कुल ही देश को खो बैठी और परदेश को मैं अपना देश समझने लगी, अपना घर समझने लगी, यहाँ आए को अपना साथी समझने लगी और फिर ये इनमें से हमारा कोई भी साथी नहीं रहा, सब किनारा भारत में कर गए और मैं इतने दिनों से यहाँ छुपा थी और नरकों में भोग रहा हूँ, रो रहा हूँ, किनारा रहा हूँ, तो मैं आपका देश क्यों पाताल बसो केंद्र तू लोक में स्वर्ग बसो के प्रभाव। वो सुरंग कहती है कि स्वामी क्या आप पाताल लोक में है या मतलब लोक में आप रहते हैं या आप लोक के वासी है या वैकुंठ लोक के वासी है, तो ये भी बताइए कि किस लोक में आप रहते हैं, इनमें रहते के नहीं पाताल में मृत लोक में और स्वर्ग लोक में वैकुंठ लोक में कहां के वासी है, ये मुझे विधि विधान से भी समझाइए। इंद्रपुरी या शिव मुकाम में कृष्ण लोक या राम, कहते हैं कि वो इंद्रपुरी में या शिवपुरी में यानी निरंजन भगवान के यहाँ आप बसते हैं या कृष्ण लोक में रहते हैं, मतलब या प्रकृत लोक में रहते हैं या पुरुष लोक में, किस लोक के आप वासी हैं, उसको अलग अलग विधि विधान से मुझे समझा दीजिए तब मेरी श्रद्धा जाएगी और आप हम मिल गए बताने के लिए और यहाँ तुम आए हैं, ये मुझे सब तरतीब बात कृष्ण लोक या राम लोक में प्रकृति लोक या पुरुष, कृष्ण लोक या राम लोक या प्रकृति लोक या पुरुष लोक में क्या उस धाम के आप रहने वाले जो यहाँ आए क्या जरूरत आप यहाँ आकर के पड़ी, इसलिए आप आए या तुम व्यापक सभी लोक में चार खाने चरय, और वो सूरत पूछती है कि स्वामी क्या आप सब जगह व्याप्त थे सब लोगों में व्याप्त थे या मतलब 84 और मतलब है कि नरकों में भी आप व्याप्त थे, किस जगह पर रहते और कहां के रहने वाले, ये सब अलग अलग भिन्न भिन्न हमको ये विधि विधान ये हमको बताइए।
जो मोहे डाला काल लोक में अति भर माया हर्ष। और ये भी बताइए कि आपने मुझको काल के लोक में क्यों डाल दिया, क्यों बता दिया? मैं यहाँ अति भरम गया, मुझे पता ही नहीं है कि मैं कहाँ आऊँ और जन्म कहाँ मरता हूँ। अति दुखी होता हूँ, मेरे दुख को कोई सुनने वाला नहीं, और मैं जाता हूँ 84 और नरकों में मुझे नाना प्रकार की यातनाएं दी जाती है। तो मुझे यहाँ काल के देव आपने क्यों डाला? अब क्यों आए मोहे चितावन रूप धरा तुम अति मन। अब हमारे प्यार से कहते हैं स्वामी, अब आप मुझको के बाद मुझको क्यों चिताने के लिए आए हो? इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो रूप आपने धारण किया था मनमोहन भाषण है, बहुत मनमोहित रूप धारण किया है और आकर्षण में, ये तो मैं जान गई, ये तो मैं समझ गई। कितने दिन के बाद आप आएंगे? सब तरह के प्रश्न ऊंचे नीचे, सुलझने के, उलझने के, गिरने के, पकने के, निकालने के, हवाले करने के, सब पूछ रही है। हमको ये सब बता दी। मैं दासी तुम चरण निहारे वेद देव तुम्हारा। मैं सेवक, मैं आपको छोड़ के जा रही हूँ। मुझे ये सब भेद, जब मैं आपके चरणों में बैठ के चरण निहार रही हूँ, तो मेरी ये संघा ये निहार दूर कर दीजिए और पूरा पूरा अपना जो भी वो भेद हो वो मुझे सुनाइए। तब हासे शब्द स्वामी बोले सुनो सुरत तुम में। अब महापुरुष बड़े प्रसन्न हुए, इस तरह के प्रश्न सुन करके इसने प्रश्न किया है उत्तर लेने के लिए तो बहुत प्रसन्न हुए। वो तो शब्द स्वामी है, वो तो सुरत शब्द रूप हो गई, वो तो बहुत प्रसन्न होकर के बोले और सब विधि विधान के साथ उनको उस सुरत को समझा रहे और उसके साथ में पूरा मजमा पूरा समाज बैठ करके उस प्रश्न के मतलब एक उत्तर को साफ के समझेंगे और उसको भी और सबको, मतलब प्रश्न तो उसका नहीं था, सबका था और सबके प्रश्न का उत्तर उसके प्रश्न से सबको मिला। बोलो जो तू पूछे भेद हमारा अगर मेरा भेद पूछती है तो मैं अपना सभी भेद विस्तार के साथ मैं तुझको बता देती हूँ, उसको तो प्यार पूर्वक अच्छी तरह से। अब मैं हूँ अगम नाम अमाया रहूं मोज में अगर। कहते हैं मैं अगम अनाम अमाया, मैं मेरा कोई रूप नहीं, मेरा कोई नाम नहीं, मेरा कोई धाम नहीं, मैं इन सब से अलग रहता हूँ। अगर माया माया हमारे आने कोई माया है ना, वहां कोई काल है ना, वहां कोई धर्म है, किसी तरह की कोई गंदगी नहीं है, मैं वहां का रहने वाला हूँ। मेरा भेदन कोई पावे तो महापुरुष कहते हैं कि सूरत मेरा भेद कोई जानता नहीं, मैं अगर किसी को सुनाऊ तभी तो किसी की समझ में आ सकता है। तो जो मेरे पीछे जो गोपनीय यहाँ संत है कहते हैं उनको तो कोई जानता नहीं। एक दफे भक्तों ने अपने स्वामी से प्रश्न किया कि महाराज आप बार बार गोपनीय संतों का जो विवरण करते हैं वो किस प्रकार के हैं? तो उन्होंने कहा कि चलो मेरे साथ, मैं तुमको ले चलो दिखा। तो गए, ले गए गुरु बैठ, चले गए, देखो वो गोपनीय संत है, वो देखो हर चला है पूरे, ये रोज आते और जाते
ये कोई नहीं था।